नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज़, द हाइट वाई एंड द डिस्टेंस एक्स अलॉन्ग दर्जोंटल प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लेनेट, विद नो सराउंडिंग एटमोस्फेयर आर गिवन बाय वाई इज इक्वल टू तो अपने को डेटा दिया हुआ है इज़ इक्वल मीटर में है एक्स और वाई वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ये हमें बताना है ऑप्शन है सिक्स मीटर पर सेकेंड एट मीटर पर सेकेंड या टेन मीटर पर सेकेंड या फिर नॉट ऑप्टेनेबल फ्रॉम द डेटा ना इस सवाल को अगर आप गौर करेंगे हमें डेटा दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एट टी माइनस फाइव टी स्क्वायर एट टी माइनस फाइव टी स्क्र और x अपने को दिया हुआ है सिक्सटी हमें बताना है कि वेलोसिटी एट द लॉन्च क्या होगी बड़ा सिंपल सवाल है इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दें सो so, हम कह सकते हैं वी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ सिक्सटी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी विच इज़ सिक्स मीटर पर सेकेंड आई कैप और वी वाई जो होगा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी बाय डी टी ऑफ एट टी माइनस फाइव टी स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो हालाइट नहीं ये नहीं बनाया जैसे सिक्स हालाट इसे डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा एट माइनस फाइव फाइव इंटू टू यानी कि टेन टी जे कैप मीटर पर सेकेंड तो ये आपकी इन जनरल वेलोसिटी हो गई ना हमें बताना है वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च एट द पॉइंट ऑफ लॉन्च बताने के लिए हम कहेंगे लेट टी बी इक्वल टू ज़ीरो टी इज इक्ल टू जीरो रखेंगे तो आपकी लॉन्च टाइम पे वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज दैट इज अ पॉइंट दैट इज अ टाइम जब हमने उसको लॉन्च किया in that case, है इन दैट केस हम कह सकते हैं टी इज इक्ल टू जीरो रख के आपकी जो वेलोसिटी होएगी दैट विल बी सिक्स आई कैप और यहाँ पे रखेंगे आप इसको आ जाएगा टी की वैल्यू जीरो प्लस एट जे कैप अब क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड होएगा इन दोनों का स्क्वायर सो so, इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर uh, रूट लेके सो इट विल बी सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर ये अंडर रूट आ जाएगा हंड्रेड सो दिस विल बी टेन मीटर पर सेकेंड सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी टेन मीटर पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर